हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या होगा अगर आप अपने डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दें और पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दें। ऐसा करने से आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम्स होंगे या कौन सी प्रॉब्लम जो वो आप फेस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिद्धिमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स टॉक ऑटो। क्या होगा अगर आप अपनी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो को पहले में बताया, शुरुआत में बताया कि डीजल को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है उसको इग्नाइट कराने के लिए, उसको कम्बशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। अब अगर आप एक डीजल इंजन में पेट्रोल डाल देते हैं तो उससे सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि पेट्रोल का ज़्यादा है और उसे स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है, लेकिन इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर पेट्रोल जो है खुद पे खुद सेल्फ इग्नाइट होने की कोशिश करेगा, सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाउड नॉइज़ मिलेगा, एक थम्पिंग धड़ थक थक टाइप का एक थम्पिंग साउंड मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होने लगेगा। इंजन कॉम्पोनेंट्स पे जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और हो सकता है फ्यूल पम्प वगैरह मोस्ट केसेस में डैमेज भी हो जाए। इस वजह से पेट्रोल जो है वो डीजल गाड़ियों में डाल देने से एक लाउड नॉइज़, सेल्फ इग्नाइट होने की वजह से थम्पिंग नॉइज़ वगैरह होगा और साथ ही आपके इंजन कंपोनेंट पे काफ़ी ज़्यादा लोड आएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, जिसके वजह से आपके इंजन कंपोनेंट्स जो है डीजल इंजन के डैमेज भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप पेट्रोल इंजन में अगर हम डीजल डाल दें, सबसे पहली बात तो दोस्तों कि डीजल जो है काफ़ी लेस वोलाटाइल होता है और वो एयर के साथ मिक्स करके कम्बस्टेबल मिक्सचर जो है प्रॉपरली फॉर्म ही नहीं कर पाएगा एक पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में हम एयर और फ्यूल मिक्सचर को, एयर और पेट्रोल को जो है वो डालते हैं अंदर, एयर जो है कंप्रेस होता है, फिर पेट्रोल का इंजेक्शन आता है एयर फ्यूल, या फिर अगर कार्ब्यूरेटेड इंजन है तो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, फिर स्पार्क प्लग से आग जलाएगा। लेकिन यही जो है डीजल का जो एटोमाइजेशन होता है वो काफ़ी हाई प्रेशर चाहिए होता है, 1000-2000 bar का प्रेशर चाहिए होता है, ये जो है एक पेट्रोल इंजन में उसे मिलेगा नहीं। तो वो एक लेस वोलाटाइल होने की वजह से कम्बस्टेबल मिक्सचर फॉर्म कर नहीं पाएगा और इस वजह से जो है वो इंजन जो है स्टार्ट ही नहीं होगा। आपने पेट्रोल इंजन में डीजल तो डाल दिया लेकिन आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, और ऐसे केसेस में आपको पूरा डीजल या पूरा पेट्रोल फ्लश आउट कराना पड़ेगा और फिर आपके इंजन कॉम्पोनेंट्स को साफ कराने पड़ेंगे और फिर जाके जो है आप पेट्रोल में प्रॉपर पेट्रोल डाल के चला सकेंगे और डीजल में जो है डीजल डाल के चला सकेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऑटोमोटिव जगत से वीडियोज़ जो है लाता ही रहता हूँ। धन्यवाद।